हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड में रिलीज हुई तीन बैक टू बैक बड़ी बजट की मूवी, यानी कि फ्रेंड्स 12 अगस्त को रिलीज हुई सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी शेरशाह, और वहीं फ्रेंड्स 13 अगस्त को रिलीज हुई अजय देवगन की मूवी भुज, और फ्रेंड्स 19 अगस्त को रिलीज हुई बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम। सो फ्रेंड्स बने रहना मेरे चैनल में, मैं आपको बताऊंगा भाई किस मूवी का पल्ला भारी है, इसको जो फ्रेंड्स ऑडियंस के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है, और फ्रेंड्स कौन सी मूवी है जो भाई औंधे मुंह गिर चुकी है, जिसको जो ज्यादा व्यू नहीं मिल पा रहा है, जिसका जो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षय पाजी की मूवी बेल बॉटम के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, बेल बॉटम मूवी जो कि फ्रेंड्स ओटीटी पे रिलीज ना होकर ऑन द स्क्रीन डायरेक्ट सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ है, बट फ्रेंड्स इस मूवी को जो है सिनेमा हॉल में रिलीज किया गया है, तो वो भी इस कंडीशन के साथ कि इसको जो है सिर्फ 50% ऑक्यूपेसी के साथ ही देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स इस मूवी को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, ऑडियंस के द्वारा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। वहीं फ्रेंड्स बात करते हैं अब अजय देवगन की मूवी भुज की, जो कि फ्रेंड्स 13 अगस्त को रिलीज हुआ था ओटीटी के प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार में। तो फ्रेंड्स ये जो मूवी है अजय देवगन की भुज भाई, इस मूवी को भी जो पब्लिक द्वारा ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा लाइक नहीं किया जा रहा है। सो फ्रेंड्स अब लास्ट में आता है शेरशाह मूवी, सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी शेरशाह, जो कि फ्रेंड्स सिद्धार्थ मल्होत्रा उतने बॉलीवुड के उतने जाने माने एक्टर नहीं है, उतने फेमस एक्टर नहीं है, बट फ्रेंड्स 2021 की बेस्ट मूवी अगर किसी को कहा जा रहा है तो फ्रेंड्स वह है शेरशाह, जिसके बारे में फ्रेंड्स हर कोई बंदा जो है इस मूवी की तारीफ कर रहा है फ्रेंड्स, और वहीं फ्रेंड्स इस मूवी का जो कलेक्शन है, इस मूवी का जो व्यू है फ्रेंड्स, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और फ्रेंड्स अगर पब्लिक रिव्यू की भी बात करूं मैं शेरशाह मूवी को लेकर, तो फ्रेंड्स हर किसी का एक ही रिव्यू है, वो भी फ्रेंड्स की काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है, बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन मूवी है, वो भी फ्रेंड्स 2021 की। सो फ्रेंड्स आपने इन तीनों मूवी में से कौन सी मूवी देखी है, और आपको इन तीनों मूवी में से कौन ज़्यादा बेस्ट मूवी लगा है फ्रेंड्स, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।